एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 2 दैट इज होल नंबर में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, आपको ये देखिए पेयर्स ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं। ओके, ए बी सी डी, डी पार्ट तक आपको पेयर्स ऑफ नंबर दिए हुए हैं। स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन नंबर लाइन। आपको बताना है कि कौन सा होल नंबर किसके लेफ्ट साइड में है। मतलब जैसे ये दोनों पेयर दिए हैं, तो इन दोनों पेयर्स में से बताना है कि कौन सा नंबर नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड होगा किसके। ओके, ऑल्सो राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन लेस देन। फिर आपको ये साइंस भी लगाने हैं नंबर्स के बीच में, जो भी यहाँ पे सुटेबल रहे बिटवीन देम, इनके बीच में। सो चलिए सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। ए क्या है? 530, 503। नंबर लाइन पे आपको पता है जैसे जैसे आप राइट साइड मूव करते हो आपको बड़ा नंबर मिलता है। ओके, सो यहाँ पे लिखा है 530, 503। अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं ऐसे ही मार्क कर दिया, यहाँ पे नंबर्स हैं, ये लाइन ऐसे बढ़ती जा रही है। सो बताइए 530 राइट साइड होगा या 503 राइट साइड होगा? कौन सा बड़ा नंबर है? 530। सो 530 यहाँ कहीं होगा, सो 503 यहाँ कहीं होगा, ये तो आपको समझ आ रहा होगा। 530 राइट साइड होगा, 503 लेफ्ट साइड होगा। सो कौन सा नंबर बड़ा है और क्या बताना है आपको? स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर। आपको बताना है कि कौन सा नंबर लेफ्ट साइड है दूसरे नंबर के। सो कौन सा नंबर लेफ्ट साइड है आपको वर्ड्स में लिखना होगा। सो लिखिए 503 इज लेफ्ट ऑफ 530। ये तो हमने स्टेट कर दिया वर्ड्स में। अब आपको साइन भी लगाना है। सो इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा साइन लगेगा? 530 और एक बॉक्स बना लीजिए, इधर लिख लीजिए 503। कौन सा साइन लगाओ? ये वाला साइन लगाओ ना। 530 इज ग्रेटर देन 503। ये आपका ए पार्ट सॉल्व हुआ। अब बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में दिया है 370, 307। इसको सबसे पहले नंबर लाइन पे दिखा दीजिए। एक ऐसे कोई नंबर लाइन बना लीजिए, कई सारे ऐसे मार्क्स इसमें कर लीजिए। आपको 370 और 307 शो करना है, तो 370 राइट साइड होगा, यहाँ कहीं 370 शो कर दीजिए और यहाँ पे कहीं 307 शो कर दीजिए। अब आपको बताना है कि कौन सा नंबर लेफ्ट साइड है। सो वर्ड्स में लिखिए 307 इज लेफ्ट ऑफ 370। अब आपको ये साइन भी लगाना है। सो 370 है एंड 307 है, इनके बीच में कौन सा साइन लगेगा? 370 बड़ा है, सो ये वाला साइन लगेगा। 370 इज ग्रेटर देन 307। अब सी पार्ट सॉल्व करेंगे। सी पार्ट में क्या नंबर दिया है? 98765, 56789। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं, कई सारे ऐसे मार्क कर दीजिए इस पे। आप बताइए इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। सबसे पहले हम इसकी डिजिट्स देखते हैं, जिसकी डिजिट ज्यादा होती है वो ज्यादा बड़ा नंबर होता है। डिजिट चेक करिए, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 डिजिट नंबर है। जब डिजिट दोनों की सेम है तो कैसे पता करते हैं कौन सा नंबर बड़ा है? लेफ्ट साइड से, लेफ्ट मोस्ट साइड से पहला नंबर देखते हैं। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, तो 9 बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है इससे। सो 98765 राइट साइड होगा, 98765 अगर यहाँ होगा, सो 56789 कहीं यहाँ पे होगा, 56789। अब आप वर्ड्स में लिख दीजिए कि ये जो है इसके लेफ्ट में है। सो 56789 इज लेफ्ट ऑफ 98765। अब आपको वो साइन लगाना है। सो ये दोनों नंबर लिख लीजिए, 98765 एंड 56789, इनके बीच में साइन लगाना है। तो ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है तो ये वाला साइन लग जाएगा ग्रेटर देन का। नाउ डी पार्ट में क्या है, 9830415 कॉमा 10023001। सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। एक नंबर लाइन बना लीजिए, इसको कई सारे पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दीजिए नंबर लाइन को। नाउ अब आप बताइए इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है। सबसे पहले हम डिजिट चेक करते हैं, जिसकी डिजिट ज्यादा होगी वो ज्यादा बड़ा नंबर होगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट नंबर है। सो ऑब्वियसली ये वाला नंबर इससे बड़ा है, 8 डिजिट नंबर है ना। सो ये राइट साइड होगा, यहां पे कहीं होगा 10023001 और ये नंबर लेफ्ट में होगा कहीं पे, यहाँ पे 9830415 9830415। सो अब आप इसको वर्ड्स में लिखिए 9830415 is left of किसके 10023001। अब आपको ये वाला साइन भी लगाना है ग्रेटर देन स्मॉलर देन का। तो ये नंबर लिख लीजिए 9830415 10023001। आप कौन सा साइन लगाएंगे, ये वाला साइन लगाएंगे क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है। सो इसका मुंह इस साइड ओपन रहेगा। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।